नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का ज्ञानी दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी की वाइफ के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही बहुत से वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी महिला जो बिल्कुल अनपढ़ थी, बाद में पढ़ी लिखी, जीवन जीने का सलीका सीखी और अपने पति के साथ घूम घूम कर लोगों के सेवा में तल्लीन हो गई। वाकई में जीवन जीना इसी को कहते हैं। अपने जीवन की कमियों को पूरा करते हुए दूसरों के जीवन को पूर्ण करने में सहयोग देना, ऐसी ही थी मोहनदास करमचंद जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। नाम था कस्तूरबा गांधी, जन्म इनका पोरबंदर गुजरात में हुआ, जिनके बचपन का नाम कस्तूर कपाड़िया था। वह बचपन से ही बड़ी सीधी सादी और धार्मिक थी। पिता का नाम गोकुलदास बनर्जी, जो पोरबंदर में बिजनेस किया करते थे, और उनकी माँ वज्र कुनेरबा कपाड़िया एक हाउसवाइफ थी। पुरानी विचारधारा के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी और मात्र 14 साल की उम्र में 13 साल के मोहनदास करमचंद गांधी से विवाह करा दिया गया। सीधी सादी कस्तूरबा ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहती थी, जिसके बारे में गांधी जी कहते हैं, मैं कस्तूरबा से बहुत प्यार करता था। स्कूल के दिनों में उसकी यादें मुझे बहुत सताया करती थी। शादी के 5 वर्षों बाद कहीं जाकर एक साथ लंबे समय तक रहे। इस लंबे समय में गांधी जी ने उन्हें पढ़ना सिखाया और अनुशासन भी सिखाया। जब गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे, तब उन्हें भारत में ही रहकर अपने नवजात बच्चे का पालन पोषण करना पड़ा। 1897 में वो गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका गई, जहाँ उन्होंने गांधी जी का पूर्ण साथ देते हुए भारतीयों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और 3 महीने की कठोर सजा भी पाई, पर वो हार नहीं मानी और विजयश्री हुई। भारत में नील किसानों पर बढ़ रहे अत्याचार को देखते हुए गांधी ने कस्तूरबा के साथ 1915 में भारत लौटने का निश्चय किया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ पश्चिम चंपारण आकर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया करती थी, उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड बातों से भी जागरूक करती थी। इस तरह कस्तूरबा गांधी ने पग पग पर महात्मा गांधी जी का साथ दिया और 22 फरवरी 1944 को दिल का दौरा पड़ने से वो सदा के लिए स्वर्गवासिनी हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।